मैं मधु। देश की आर्थिक रीढ़ भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण देश हित में नहीं। देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं 150 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा आहूत तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। हड़ताली कर्मचारी गण LIC परिसर में धरने पर बैठे रहे तथा केंद्र सरकार के मजदूर किसान कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी किया। हड़ताल का नेतृत्व संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने किया। हड़ताल की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, नई पेंशन नीति, जरूरी सामानों तथा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि आदि का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर कॉर्पोरेट परास 4 श्रम कोड बनाया गया है जो मजदूर कर्मचारी विरोधी है। केंद्र सरकार देश के आर्थिक रीढ़ भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO के माध्यम से निजीकरण करने का निर्णय लिया है जो राष्ट्र और बीमा धारकों के हित में नहीं है। भारत की आम जनता का LIC पर अटूट विश्वास है तथा जनता के छोटे छोटे बचत को जमा कर LIC देश के आधारभूत संरचना के विकास में अहम योगदान देता रहा है। ऐसी संस्था का निजीकरण करना कतई देश हित में नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। आज का हड़ताल ऐतिहासिक रहा जिसमें देश के 28 करोड़ से अधिक मजदूर कर्मचारियों ने भाग लिया। हड़ताल में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, उमानाथ झा, सहिता सरकार, कुमकुम वाला वर्मा, राजा राम, विनय कुमार, रोशन कुमार, अनिल कुमार वर्मा, अरविंद मुर्मू, श्वेता कुमारी, प्रज्ञा आनंद, सुकृति बर्मन, सबा परवीन, अंजलि श्वेता, अंशु सिंघानिया, मिस श्वेता, देवनाथ दास, प्रवीण कुमार हंसदा, नीतीश कुमार गुप्ता, गौरव सिंह, दीपक पासवान, कुलजीत कुमार रवि, अभय कुमार, संजय कुमार शर्मा, नीरज कुमार सिंह, प्रभाष कुमार, महेश्वरी वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, पंकज कुमार, प्रीतम कुमार, प्रदीप प्रसाद, नागेश्वर साह, विजय मंडल सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। बाइट धर्म प्रकाश, इकाई सचिव, LIC। 10 केंद्रीय श्रम संगठनों और 150 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भी शिरकत कर रहा है। इस हड़ताल में भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा अभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेतहाशा बेचा जा रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, कर्मचारी किसान विरोधी नीतियां बनाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों का इस हड़ताल के माध्यम से विरोध किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए, नई पेंशन नीति को समाप्त किया जाए, 44 श्रम कानूनों को जो समाप्त कर 4 श्रम कोड बनाया जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम इस देश का आर्थिक रीढ़ है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लोगों के पैसा को संग्रहित कर देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगाया जाता है। ऐसी संस्था का अगर निजीकरण किया जाएगा तो वह देश हित में नहीं होगा। अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि IPO के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण किया जाएगा। हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्था का निजीकरण करना देश हित और बीमा धारकों के हित में नहीं होगा। साथ ही साथ जिन जिन संस्थाओं में वेतन पुनरीक्षण दे है, बकाया है, उसे अविलंब वेतन पुनरीक्षण वहां किया जाए वो तमाम संस्थाओं में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का हमारा हड़ताल है और जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी नीतियां केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है उसका भी इस हड़ताल के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो BPL से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो जनता है उसे 7,500 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाए ताकि उनका जीवन अच्छा से बीत सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल रखा गया।